हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाटर लेवल कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। अगर आपको ये सीखना है कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। ये देखिए, ये तीन सेंसर हैं, रेड, ब्लैक, ग्रीन, जो हमें वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ मिला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल कर दीजिए ताकि हमारी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, सबसे पहले हम इन तीनों सेंसर को वाटर टैंक में इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए, ये रेड वाला सेंसर है, ये रेड वाला वायर है जिसमें है, ये रेड वाला सेंसर है। इसे हम जो इसमें एक टिप लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। आप नीचे करके दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पीला टिप, एक टिप लगा हुआ है, इसका हम रेड वाले में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, कनेक्ट हो गया। जो इसमें दो टिप लगा हुआ पीला कलर का, उसमें हम ग्रीन वाला कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, अब तीसरा जो हमारा ब्लैक सेंसर बच गया, इसे हम जिसमें ब्लैक तीन टिप लगा हुआ उसके साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए, हमारा तीनों कनेक्शन हो गया। अब इसे हम अच्छे से सेट कर लेते हैं पहले पानी के लेवल में। जो हमारा रेड वाला सेंसर है वो सबसे नीचे रहेगा और ग्रीन वाला जो सेंसर है वो हमारे बीच में रहेगा और जो ब्लैक वाला हमारा सेंसर है वो सबसे ऊपर में रहेगा, जहाँ से हमारा पानी ओवरफ्लो होता है उसे रोकने के लिए। ये देखिए, हमारा ब्लैक वाला ऊपर आ गया है। आपको थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं। ये देखिए, पानी जहाँ से हमारा ओवरफ्लो होता है उस जगह पे लगा दिए ब्लैक वाला सेंसर को। अब ग्रीन वाला का थोड़ा ऊपर कर लेंगे बीच में। वाटर टैंक में सेंसर का सेटअप हो गया। अब हम कंट्रोलर का कनेक्शन करते हैं। देख सकते हैं, इसका सेटअप हो गया। तो चलिए, अब नीचे चलते हैं हम। ये हम नीचे आ गए हैं। ये देख सकते हैं, ये जो तीन वायर हैं ये हमारे डायरेक्ट वाटर टैंक में गया है, जिसको हम सेंसर में कनेक्ट किए हैं, तीनों सेंसर में। इसे अब हम इस वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे, R1G1B1 में। और इसमें देख सकते हैं, इंडिकेशन भी दिया हुआ है इसमें। R1 सबसे नीचे में है, G1 बीच में और B1 सबसे ऊपर में। ये इमेजिन कंपनी का है, ये देख सकते हैं। इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है, इसका काम भी बहुत ही अच्छा करता है ये। चलिए, अब हम इसका कनेक्शन करके दिखलाते हैं आपको। सबसे पहले जो हमारा वाटर टैंक में तीनों वायर गए हैं उसका कनेक्शन करेंगे। ये हमारा रेड सेंसर का वायर है, इसे हम रेड वाले यानी R1 में लगाएंगे। इसके बाद ये हमारा जो दो टेप लगा हुआ है, ये हमारा ग्रीन सेंसर का वायर है जो हमारे बीच में लगा हुआ था वाटर टैंक में, उसे हम G1 में लगाएंगे। वो
और ये जो हमारा तीसरा वायर है जिसमें तीन टेप लगा हुआ है, ये हमारा ब्लैक सेंसर का वायर है, इसे हम B1 में लगाएंगे। अब इसे हम आपको अच्छे से दिखाते हैं, ये देखिए R1 G1 B1 जिस तरह आपको यहाँ दिख रहा है उसी तरह से हम वहाँ भी कनेक्शन हम लोग किए हैं। वाटर टैंक में भी रेड सेंसर नीचे, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है ये हमारा स्टार्टर में जाएगा यहाँ से। तो इसे हमें 220 वोल्ट सप्लाई देना होगा। ये हमारा आउटपुट वायर है न्यूट्रल और फेज, हमारे पास रेड में नहीं था इसलिए हम ब्लैक वायर का ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास कलर में होगा तब कलर ब्लॉक डाल सकते हैं। ये हमारा न्यूट्रल टर्मिनल है आउटपुट का। इसके बाद ही हम फेज वाले टर्मिनल में लगाएंगे इसको। ये हमारा आउटपुट टर्मिनल सीधे जाएगा हमारा स्टार्टर में। देखिए ये हमारा स्टार्टर में कनेक्ट होगा ये दोनों न्यूट्रल फेज। ये देख सकते हैं ये हमारा जो कंट्रोलर का आउटपुट है वो हमारा स्टार्टर में कनेक्ट हो गया है। ये जो दोनों वायर हैं ये हमारा फेज और न्यूट्रल वायर है मेन लाइन का, एसी वायर 220 वोल्ट, इसे हम कंट्रोलर के इनपुट वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये हमारा इनपुट वायर है और ये देख सकते हैं आउटपुट वायर है जो हमारा स्टार्टर में गया है।
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हम आपको एक बार सामने से दिखा दें कि कंट्रोलर में जो अभी जल रहा लाइट वो हमारा मोटर ऑन का सिंबल है, और इसमें और एक लाइट और दो लाइट जलता है, G1 और V1।